नमस्कार, मैं हूं शिवम तनेजा और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। आप में से बहुत से लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को जानते होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुनते ही राहुल गांधी की तस्वीर सामने आ जाती है। इसकी खास वजह यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के काफी खास थे, लेकिन अब नहीं है। हर सभा हर सम्मेलन में राहुल गांधी के साथ रहने वाला ये नेता अब बीजेपी का नेता है। नेता नहीं, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे जो राहुल गांधी के बहुत करीबी थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, जहां मौका वहीं चौका। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी के खास सिंधिया ऐसा करेंगे ये कोई नहीं जानता था। सिंधिया के बारे में कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आप नहीं जानते होंगे। सिंधिया एक राजघराने से हैं, ये सब जानते हैं, और ऊपर से वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और अब बीजेपी में मंत्री हैं। ऐसे में अब आप जरा सोचिए उनके पास क्या नहीं होगा। वो जो चाहे खरीद सकते हैं, महंगी गाड़ियों में घूम सकते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंदीदा एक्ट्रेस जो है वो उनसे कभी मिल ही नहीं पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि राजघराने का एक राजकुमार भला जब चाहे किसी से भी मिल सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के बड़े नेता होने के बावजूद कभी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस से नहीं मिल पाए। आखिर ऐसा कैसे हुआ, बताएंगे आपको आज के हमारे सियासी किस्से में। राहुल गांधी के करीबी और अब मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा नेता है और राजनीति में बड़ा नाम है। बीजेपी में शामिल होते ही ज्योतिरादित्य को राज्यसभा का टिकट मिल गया था और अब उन्हें कैबिनेट में भी जगह मिल गई है। ग्वालियर के आलीशान महल जय विलास भवन में रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। सियासत के अलावा सिंधिया अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। अधिकतर लोग जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिकेट प्रेमी हैं और कई बार उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा भी गया है। लेकिन एक इंटरव्यू में सिंधिया ने अपने निजी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले। इस इंटरव्यू में सिंधिया ने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के बारे में बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब पूछा गया कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है, तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि बिना किसी संकोच के कहूंगा कि मेरी सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस हैं रेखा। सिंधिया ने कहा कि वो कभी भी रेखा जी से मिले नहीं हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेखा के अभिनय की तारीफ करते हुए कहा कि उनके लाखों चाहने वाले हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इंटरव्यू के दौरान सिंधिया ने कहा कि क्या कोई मुझे उनसे मिलवा सकता है। इस बात से सिंधिया ने यह भी बताया कि वो कितने सरल और एक शाही खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद भी कितने सादे रहते हैं। सिंधिया ने इस इंटरव्यू में कई राज खोले। उन्होंने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के साथ पसंदीदा एक्टर का नाम भी बताया। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान उनके सबसे पसंदीदा एक्टर हैं। ज्योतिरादित्य ने कहा कि शाहरुख खान मेरे फेवरेट हैं, वो बेहद स्टाइलिश हैं। अगर बात करें मौजूदा दौर की, तो ज्योतिरादित्य की फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हैं। आज हर व्यक्ति ये सोचता है कि जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो अपनी हर ख्वाहिश पूरा करूंगा, जिससे चाहे मिलूंगा, जहां चाहे घूमूंगा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये बात चौंकाती है कि वो आज भी अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस से मिलना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। वो एक आलीशान राजमहल में रहते हैं जो कई एकड़ों में फैला हुआ है। ऐसे में वो आज भी चाहते हैं कि उन्हें उनकी फेवरेट एक्ट्रेस से कोई मिलवा दे। ये उनके सरल जीवन के बारे में चौंकाता है। तो ये था आज का हमारा सियासी किस्सा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया हलचल।